एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बेल पेपर क्राफ्ट्स। आजकल ना टिश्यू पेपर आर्ट बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आई थॉट हम भी बनाएंगे पर अपने स्टाइल में। इसमें ना कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, और ये स्टेप्स मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो बताती रहूंगी, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। किसी भी साइज का कैनवास बोर्ड लेके मैं कुछ फूल पत्तियां बना लो, देन टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो के 10 मिनट के लिए छोड़ दो, देन अच्छे से निचोड़ के उसे प्लेट में निकाल लो। फिर हमें जितने भी कलर्स चाहिए हमारी पेंटिंग में उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। लाइक आई हैव टेकन 4 शेड्स ऑफ ग्रीन फॉर लीव्स एंड फ्लावर्स, के लिए भी 4 कलर्स लिए हैं विच आर रेड, ऑरेंज, पिंक एंड पीच। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो। बस अब उठाओ अपने अस्त्र और लग जाओ काम पे। ट्वीजर्स की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस लेके हम एक एक पार्ट कंप्लीट करते जाएंगे। मैंने लीव से शुरू किया है विद द लाइटेस्ट ग्रीन शेड। एक कलर अप्लाई करने के बाद ना आप एक किटकैट ब्रेक ले लेना, तब तक कलर भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा और वो आपस में अपने आप ब्लेंड नहीं करेगा। इस पेंटिंग में हम काफ़ी डिटेलिंग वाला काम कर रहे हैं, इसलिए हमें काफ़ी पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तब यू विल फील सो हैप्पी अबाउट योर सेल्फ। छोटे छोटे पीसेस लेके उनको अपनी जगह पे रख दो एंड देन ट्वीजर से उनको प्रॉपर शेप दे दो। बस यही करना है हमको पूरी पेंटिंग में। आप चाहो तो बहुत सिंपल से 3 लीफ बेसिक फ्लावर भी बना सकते हो और उस पर टिश्यू पेपर आर्ट कर सकते हो। That will also look very subtle and beautiful. Fine detailings करते हुए हम ये पूरा area अच्छे से complete कर लेंगे। हम ना flowers को 2 color combination में भी कर सकते हैं, like pink and purple, red and white, or pink and white, anything of your choice. अच्छा, tell me your favorite flower and favorite color in the comment section below. And अगर अभी तक subscribe नहीं किया है ना तो माता रानी पाप लगाएंगी, by God. ओके, नाउ बैक टू बिजनेस। अब आती है बैकग्राउंड की बारी। बैकग्राउंड के लिए 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। नंबर 1, जैसे हमने लीव्स एंड फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं टेक्सचर्ड इफेक्ट में, वैसे ही बैकग्राउंड इफेक्ट भी हम टेक्सचर्ड ही देंगे। या वी कैन डू एनी कॉन्ट्रास्ट कलर, सॉलिड कॉन्ट्रास्ट कलर। 3rd, मल्टी कलर पेंटिंग। आई एम गोइंग विद द 3rd one। मैंने पेस्टल कलर्स लिए हैं और उससे एक ब्लेंडेड बैकग्राउंड पेंट करूँगी। आफ्टर दिस किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट से वाइट कलर के सर्कल्स बना लेंगे टू गिव इट अ बबली लुक। हल्का सा ब्लेंड करके ब्रश से एंड इट्स रेडी। लेट दिस ट्राई फॉर एटलीस्ट 2 डेज। उसके बाद स्प्रे वॉर्निश के कोट से अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ये हमारी मेहनत को जन्मों जन्म तक बचा के रखेगा। एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू फ्लॉन्ट। एक एक को पकड़ पकड़ के बताना कि ये आपने बनाई है, ओके? अच्छा, तो हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखना और खूब मजे करना। ओके, बाय।